आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। भंडारा सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। 30 जुलाई 2015 को भंडारा में खूनी डकैती के दोनों मामलों में आज न्यायाधीश संजय देशमुख ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दोनों गुनहगारों को दी गई फांसी की सजा। एडवोकेट संजय राउत ने कहा, इसी का था इंतजार और हम सफल हुए। मृतक प्रीति के पति ने कहा कि प्रीति के आत्मा को इस फैसले से मिलेगी शांति। देखते हैं खबर विस्तार से। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ में मैंने हमेशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 30 जुलाई 2015 को दो डकैती के साथ एक मर्डर और दो हाफ मर्डर की किया गया था दो आरोपियों के तहत। आज उस आरोप और उस गुनाह के पक्ष में न जाते हुए ये जो जिन्होंने केस दाखिल की थी उनके पक्ष में ये फैसला गया है और दोनों गुनहगारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आइए जानते हैं कि इस सारे प्रकरण में जिन्होंने ये कार्यभार संभाला उन एडवोकेट्स की क्या प्रतिक्रिया है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या हुआ था और कितनी सज़ा दी गई है। आज भंडारा सत्र न्यायालय श्री देशमुख साहब ने 302 के तहत दोनों आरोपियों को जो 30/7/2015 को जो घटना हुई थी माड़ा कॉलोनी और तकियावाड़े में प्रीति बारिया का खून किया गया था और उसका बेटा भव्य उसको पूरी तरह से गंभीर किया गया था। प्रीति भव्य बारिया आज भी पूरी तरह से गंभीर है, पैरालाइज है, चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता और प्रीति बारिया का देहांत हो चुका है। सो तो प्रीति बारिया का मर्डर के करने पर उनको 302 के तहत उनको दोनों को आरोपियों को फांसी की सज़ा, मरते तक फांसी की सज़ा सुनाई गई। भव्य को जिस तरह से गंभीर रूप से घायल किया गया उसमें 307 के तहत उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 452 कलम अनधिकृत रीत्या उन्होंने जो घर में प्रवेश करके उनका मर्डर किया, सो 452 में उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई। रॉबरी के उद्देश्य से जो उस घर में प्रवेश किए उसमें 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और कलम 460 में उनको फिर से 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। और इस तरह से हम इस निर्णय से बहुत संतुष्ट हैं। भंडारा वासियों को भी इस निर्णय की अपेक्षा थी, ऐसे ही निर्णय की अपेक्षा थी। संजय देशमुख सर जो न्यायाधीश है यहाँ के, उन्होंने जो निर्णय दिया है आपके पक्ष में, उससे आप संतुष्ट हैं? मैं पूरे भारत के संविधान के प्रति जो न्याय मिला है मुझे, वो न्याय से मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे और मेरे परिवार की ओर से और भंडारा वासियों की ओर से सबने जो ये न्याय की जो एक चाहत रखी थी कि ऐसा ही हमको एक शिक्षा आरोपियों को मिले, उससे हम पूरे संतुष्ट हैं। हमारे परिवार और मेरी ओर से सबको संतुष्ट है और मेरी स्वर्गवास पत्नी प्रीति बारिया का जो देहांत हो चुका है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जो अभी जो जजमेंट आया है उससे मेरी पत्नी आत्मा को भी शांति मिले, यही हम अपेक्षा करते हैं। भंडारा जिला सत्र न्यायालय का आज ऐतिहासिक फैसला हुआ। ये फैसला इस गुनाह पे हुआ कि दो हाफ मर्डर और एक फुल मर्डर केस में दोनों आरोपियों को न्यायाधीश संजय देशमुख ने दी फांसी की सजा। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।